What is thought? There is no word for that. There's no word for that. All mental activity is thought. All mental activity is thought. This is the definition of thought. मन में जो हो रहा है उसी का नाम विचार है. जो भी हो रहा है, बिल्कुल अम्ब्रेला नेम है ये थॉट. दिन दिन आए बाएं दाएं ऊपर नीचे जो भी चल रहा है उसी का नाम है विचार. वही थॉट है. ठीक है, समझ गए? तो मेंटल एक्टिविटी के अंदर भी क्या है, वो जो वर्ड्स आ रहे हैं वही? हाँ, जो भी अभी हम आ रहे हैं. दुनिया क्या है? कैसे परसीव हो रही है? देर इज सम मेंटल एक्टिविटी. तो दुनिया क्या है? मेंटल एक्टिविटी. और मेंटल एक्टिविटी क्या है? थॉट. तो दुनिया क्या है? थॉट. ये दुनिया आप तक तभी है जब तक कुछ चल रहा है, और जो भी चल रहा है उसी का नाम विचार है. जो ही चल रहा है उसी का नाम है विचार. जो ही चल रहा है, बात समझ रहे हैं? तो दुनिया मानसिक है कि दुनिया मानसिक है. और ये बात तो बहुत सीधी है ना हमारे लिए. दुनिया बहुत, देखिए, जब कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं था तब भी ये बातें कह दी गई, क्योंकि दुनिया को समझने के लिए कोई बहुत आपको सुविधाएं चाहिए भी नहीं है. बहुत बात सीधी सी है, हम दुनिया सिर्फ उसको कहते हैं जो हमें इंद्रियों से प्रतीत होती है. और इंद्रियों से मामला मन में जाता है तो दुनिया कहाँ है? सारी मन में है. इंद्रियों और उनके विषयों के अतिरिक्त दुनिया कहाँ है? ये बहुत छोटी सी बात है. आदमी जरा सा अपनी तरफ देखना शुरू करे उसे सब स्पष्ट हो जाएगा कि मैं दीवाल दीवाल कर रहा हूं. दीवाल एक देखे जाने वाली वस्तु के अलावा है क्या? देखे जाने वाली और छुई जाने वाली. तो दो इंद्रियों से आने वाले इनपुट के अलावा दीवाल क्या है? जल्दी बोलिए ना, क्या है? कुछ भी नहीं है. कुछ भी तो नहीं है. ज्ञानी यही जान जाता है, बोध इसी का नाम है कि अरे ये क्या मैं दुनिया दुनिया करता रहता हूं और दुनिया को इतनी गंभीरता से लेता रहता हूं. आंखें हैं दुनिया, कान है दुनिया, स्पर्श है दुनिया. तो बट ये भी तो हम जान गए हैं कि इस दुनिया का कुछ पोर्शन ही हम जानते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि इतने हर्ट्ज़. अच्छा, आप जो नहीं जानते उसके बारे में भी आप कैसे जानते हो? आप नहीं जानते ना कि बहुत कुछ है जो आपके जानने के दायरे से बाहर है, उसका आप नहीं जानते ना. मुझे बताया गया, मतलब बेसिकली इतने हर्ट से सुनाई देता है, इसके अलावा भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं. इसके अलावा भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं. ये बात भी कैसे पता चली? ये मतलब साइंस पे पढ़ी है. पढ़ी कैसे? ज्ञान तो ज्ञान, अज्ञान भी इंद्रियों से ही भीतर आ रहा है. ज्ञान तो ज्ञान, अज्ञान भी कहीं और से नहीं आ सकता. उसको भी अगर आना है तो इंद्रियों से ही आएगा. तो इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा मिथ्या है. ये खेल क्या चला? अच्छा ये बताइए, शरीर है? जल्दी बोलिए, क्यों है? प्रमाण दीजिए शरीर है. I can sense lot of things. कैसे है शरीर? कहाँ है शरीर? कैसे पता है? शरीर है इसका प्रमाण भी कुछ नहीं, तो शरीर भी कहाँ है? मन में है. आंखें ना हो, छू पाने की क्षमता ना हो, देख पाने की क्षमता ना हो, तो कहाँ है शरीर? सर बट यहाँ पे जैसे मैं हाथ मेरा यहाँ है तो कुछ फीलिंग नहीं आई, पहुंच रही, लेकिन यहाँ पहुंचा तो फीलिंग पहुंच गई. तो इतना भी पता लगा कि यहाँ पे तो ऐसा इतना इससे तो करेगा कि यहाँ पे कुछ है. फिर मन ने इतना तो जान लिया, मतलब मन में बाहर कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये तो पता लग गया ना. तो मतलब इससे हमें एक्सटर्नल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है.
तो एक्सटर्नल में कुछ होगा, एक्सटर्नल है और इंटरनल है, दोनों कहाँ है? पूरा स्पेस ही कहाँ है? स्पेस के ही तो हिस्से करते हो ना, कि कुछ एक्सटर्नल हुआ कुछ इंटरनल हुआ, दोनों हिस्से कहाँ है? कहाँ है? इसीलिए खुद को ही देख करके जानने वालों ने बिल्कुल साफ साफ यही लिख दिया, यूनिवर्स इज अ थॉट। एक्शन भी मेंटल एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन फिर वो यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा सब तो नकली है, क्या यहां रुकना है, कुछ असली भी है उसको भी पाया जाए। तो जो असली शिक्षा है, असली खोज है, वो उस असली को पाने के लिए है। मामला यहां रुक ही नहीं जाता कि सब मानसिक है। फिर सवाल ये भी उठता है, क्या कुछ है जो मानसिक ना हो? क्या पता उसको भी खोजा जाए। अब वो दुनिया में तो नहीं मिलेगा ये पक्का है, क्योंकि दुनिया तो मानसिक है, तो इसीलिए उसकी खोज दुनिया में नहीं हो सकती कि चलो किसी द्वीप में किसी जंगल के बीचों बीच मिल जाएगा। जब जंगल ही मन में है तो जंगल में क्या मिलेगा फिर? तो फिर उसकी खोज करने के लिए ध्यान है, उसी की खोज का नाम ध्यान है। जो असली है वो क्या है? वो दुनिया में नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ध्यान भी तो एक मेंटल एक्टिविटी है, शुरुआत में वही है, शुरुआत वहीं से होगी। शुरुआत में तो सोचना ही पड़ेगा कि चलो बैठे हैं ध्यान में जाना, ठीक शुरुआत में वही रहेगा, पर अंत वहां नहीं होता ध्यान का। ध्यान की यूनिवर्स इज अ थॉट, किसका थॉट? जब इतने होशियार हो जाओगे कि जान जाओगे कि जिसका थॉट है वो मिथ्या है, तो फिर ये भी कह दोगे कि यूनिवर्स तो मिथ्या ही है ना। ये दोनों ओर की होशियारी एक साथ आती है। तुम ये नहीं कर पाओगे चालाकी कि दीवार तो मिथ्या है, जमीन भी मिथ्या है, पर जमीन पे जो हम बैठे हैं हम असली हैं। तो जब ये जान जाओगे कि यूनिवर्स थॉट है, तो ये भी समझ जाओगे कि किसका थॉट है। जिसका यूनिवर्स है उसी का थॉट है, जो यूनिवर्स में अपने आप को मानता है उसी का थॉट है। दोनों एक साथ हैं, और दोनों जब नकली होंगे, दोनों जब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। संसार और अहंकार एक साथ जाते हैं, एक के पीछे एक नहीं। सर ऐसा नहीं होता है कि हमें झलक नहीं मिलती है कहीं भी? फॉर एग्जांपल मैं बाहर खड़ी होकर देख रही थी, एक गिलहरी एक छोटा सा पौधा है उसके नीचे खड़ी होकर कुछ वो अपना खा रही है, तो एक मोमेंट पे ये आया था उसके लिए वो पौधा नहीं है, मेरे लिए वो पौधा है। बट ज्यादा देर नहीं रुक रही है वो, पर आ तो गया वो कि ये मामला कुछ और है। बट उस मोमेंट में ध्यान से ही हुआ था कि बहुत देर देखा तब अचानक स्ट्राइक हुआ वो, फिर वो हट जाता है। कितनी अलग अलग दुनिया है, कितने मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, ये जानना हो तो अपने से अलग जो लोग हैं, अपने से बिल्कुल ही अलग, थोड़ा उनके करीब आइए। उनके करीब आने के लिए थोड़ा अहंकार कम करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे ही जैसे हैं। फिर देखिए उनकी नज़रों से तो बिल्कुल ही अलग दिखाई देगी दुनिया। तो ये नहीं कि उनकी नज़र से दुनिया की आपको सही वाली छवि दिखाई देगी, अलग। तो पता चलेगा कि अरे इतना अलग यूनिवर्स भी हो सकता है। फिर उसी में तरह से आप और आगे निकलेंगे, थोड़ा जानवरों के करीब आएंगे और देखेंगे कि इनकी नज़रों से दुनिया कैसी है, तो हैरान कि इसके लिए ये मामला चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना, कितने यूनिवर्सेस हैं, पर्सपेक्टिव्स अलग-अलग होते हैं। यूनिवर्स ही अलग है, पर्सपेक्टिव ही नहीं अलग है, वस्तु ही अलग है।
जो आपके लिए विष है वो किसी के लिए अमृत है। दुनिया ही अलग है, ऐसे नहीं कि उसके दुनिया को देखने के नजरिए अलग है। जब आप कहते हैं नजरिया अलग है तो आप ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव है और उसके बारे में व्यूज मल्टीपल हैं। नहीं, perspective as in जो जिसकी बात कर रहे थे ना, mental activity, thought, हाँ, तो आपका thought अलग है तो आपकी दुनिया अलग है, मेरा thought अलग है। लेकिन उस thought का जो ऑब्जेक्ट है वो है ही नहीं, thought itself is the object। ये मत सोचेगा कि ये यहाँ रखा है तो इसके बारे में मेरे और इनके ओपिनियन अलग अलग हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अपना कोई सत्य है पर उस सत्य के बारे में मेरा मत अलग है और इसका मत अलग है ना, ये है ही नहीं। This is also a part of sir, एक क्वेश्चन है, हम ये बोलते हैं कि कोई चीज मिथ्या है तो हम क्या बोल रहे हैं? सत्य उसको माना गया है जो किसी और पर आश्रित ना हो, सत्य उसको माना गया है जो किसी और के बदलने से बदल ना जाए, एब्सोल्यूट रियलिटी, जो किसी और के बदलने से बदलेगा नहीं वो सच है। ये बदल जाएगा मेरे बदलने से इसलिए ये मिथ्या है। मतलब ऑब्जेक्टिव तो नहीं बदलेगा बट हाँ मेरे परसेप्शन बदल जाएगा, यही बदल जाएगा ना। आप थोड़ा सा बदलेंगे थोड़ा सा बदलेगा, आप पूरा बदल जाइए पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। नहीं इतना ही नहीं पूरा बदलेगा, ये इतना तक बदल सकता है कि गायब हो जाए, या ये बदल सकता है कि ये जो अभी ऐसा है ये गेंदनुमा हो जाए, आपके ब्रेन में दो चार चेंज कर दिए जाएं तो गेंद बन सकता है।